आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने में तैनात सिपाही आसिफ अंसारी ने निजी कारणों के कारण फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मौके पर पहुंची रामगढ़ताल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मामले की कर रही है छानबीन। कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 17 जनवरी से दीवानी न्यायालय परिसर में वादकारियों या उनके प्रतिनिधियों को उच्च न्यायालय ने किया पूर्णतः प्रतिबंधित। अत्यावश्यक मामलों में जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही वादकारियों या उनके प्रतिनिधियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की दी जाएगी अनुमति। जनपद को मेट्रो सिटी घोषित होने पर शहर में 2.5 गुना एरिया हुआ शामिल। मेट्रो को मिली है हरी झंडी। महानगर में तेजी से होगा विकास। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा मिलती जाएगी मेट्रो सिटी की सारी सुविधाएं धीरे धीरे महानगर को। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट का किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन बेड वैक्सीनेशन का किया जांच। नागरिकों से की अपील, कहा जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है वैक्सीनेशन ऐसे लोग जरूर करवाएं वैक्सीनेशन। गोरखपुर में रविवार को पाए गए 298 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 2686। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया 11 वैकल्पिक आईडी प्रूफ की सूची। वोटर स्लिप अब आईडी प्रूफ के रूप में मान्य रही। एडीएम फाइनेंस जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदर विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार में भाग लेगी हिंदू वाहिनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए करेगी विधानसभा चुनाव का प्रचार। और धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में लिया हिस्सा। किया रक्तदान, कहा रक्तदान से किसी को किसी तरह की नहीं होती है कमजोरी।